गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, रिमझिम तीन तीसरी कक्षा के लिए ये आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक है। तो बच्चों पान नंबर सात देखिए। बच्चों रिमझिम पाठ्यपुस्तक में से पहली कविता हमने देखी थी कक्कू, देखी थी ना, आपको पसंद है ना, और आपको मैंने बाय हार्ट करने के लिए भी कहा था। तो कक्कू कविता आपको पाठ करना है और उसके बाद में आज आपको नई कहानी नया पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पान नंबर सात निकालिए, पान नंबर सात, और देखो हम आज दूसरा पाठ सीखेंगे, उसका नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी, मक्खी पता है आपको बच्चों, घर में हमारी होती है ना, यहाँ वहाँ घूमती रहती है ये मक्खी। क्या करती है वो, जो स्वीट डिश होती है ना उसके ऊपर आकर बैठती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है और बहुत परेशान करती है ये मक्खी। तो ये मक्खी की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये मक्खी है लेकिन वो कैसी है, शेखीबाज मक्खी है। शेखीबाज किसे कहते हैं, जो अहंकारी होती है ना, मैं बड़ी, ऐसी ये मक्खी है। और वो क्या क्या करती है हम देखेंगे बच्चों इस पाठ में। तो पाठ में शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ एक एक लाइन पर ऐसे उंगली रखकर आप भी पढ़ लेना है, जैसे मैं ये पाठ पढ़ती हूँ और समझाती हूँ, आप ये पाठ समझ लेना है, ओके। मक्खी, शेखीबाज मक्खी, पाठ नंबर सात, पाठ नंबर दो। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। जंगल था और उस जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर जंगल का राजा होता है और वो भोजन करके यानि खाना खा के आराम कर रहा था, सो रहा था। हम भी खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, वैसे ही शेर सब्जी रोटी नहीं खाता, वो क्या करता है, जानवर को पकड़ कर वो खाता है। शेर जंगल का राजा होता है, शेर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, वो बहुत ताकतवर होता है, और शेर गुफा में रहता है, तो ऐसे ये शेर है। तो शेर खाना खाकर यानी भोजन करके आराम से सो रहा था, इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। तो जंगल शेर जहाँ सोया हुआ था वहाँ पर एक मक्खी उड़ती उड़ती आ गई। मक्खी ये है ना, मक्खी हमारे घर में होती है, इसे मराठी में क्या कहते हैं, माशी। तो ये मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। शेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था। तो बच्चों शेर दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था, स्नान करना यानि मराठी में इसे क्या कहते हैं, अंघोल। जैसे हम हर रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं, लेकिन ये जो पशु पक्षी प्राणी होते हैं ना, वो जानवर जो है वो स्नान नहीं करते। और स्नान कैसे करेंगे, वहाँ पानी चाहिए, जैसे हम साबुन से नहाते हैं, उसे उन्हें क्या साबुन मिलता है कहाँ, नहीं। तो वो ऐसे कोई यहाँ पानी होता है ना, वहाँ जाकर वो डुबकी लगाकर आते हैं। और ये जो शेर है ना, जंगल का राजा, वो दो तीन दिनों से नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करके लगी। तो देखो ये जो मक्खी होती है ना, जैसे कि कहीं पर ऐसे बदबूदार कोई खाना होता है
या कहीं पर ऐसे कुछ ऐसा ढेर लगा होता है जैसे कि स्वीट होते हैं ना, वहाँ पर ये मक्खियाँ बुन 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 करती रहती है। और ये शेर है ना, दो तीन दिनों से नहाया नहीं था, तो शेर वो मक्खी उनके पास आ गई और उनके कान में बिन 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 करते। कभी आपने सुना है बच्चों, जो मक्खी होती है वो कैसे आवाज़ निकालती है, ऐसे आवाज़ निकालती है ना, तो ऐसे ही ये मक्खी जो है शेर के पास आ गई और वो उसके कानों में भिन 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 करते करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, शेर अभी अभी सोया था और बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, पंजा यानी जो उसका हाथ होता है ना वो उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया, देखो ये मक्खी है ना बहुत ज़िद्दी होती है, एक बार उसे हाथ से हटाया फिर भी आकर बैठती है, और हम फिर से उठा हाथ उसे उठाने की कोशिश करें फिर वो आकर यहाँ पर वहाँ बैठती रहती है। तो ऐसे ही शेर सोया हुआ था, बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी और उसके पास उसके कानों के पास बिन 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 करके बैठी थी। तो शेर ने उसे पंजा उठाया, हाथ उठाया, उसके हाथ लगाने से मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर वो शेर के कान के पास भिन 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 शुरू कर गई। अब तो शेर बहुत उसे गुस्सा आ गया, गुस्सा आना यानी उसे क्रोधित होना, गुस्सा होना क्रोधित होना, और वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी और ये मक्खी है ना उसे बहुत परेशान कर रही थी, तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया और वो दहाड़ा, दहाड़ा यानी चिल्लाया, दहाड़ा का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। शेर चिल्लाया, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। शेर तो जंगल का राजा होता है, सारे पक्षी जानवर उन्हें डरते हैं, लेकिन ये मक्खी है ना कितनी छोटी सी होती है, वो तो उस शेर को बहुत तंग कर रही थी। और गुस्से से शेर ने कहा कि अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मक्खी बहुत कैसी है, ज़िद्दी है, अहंकारी है, उसने जंगल के राजा को ऐसे कहा कि तो जंगल का राजा है लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, ऐसे बोलते हैं क्या कोई? मक्खी ने धीरे से शेर को कहा, क्या कहा बच्चों, क्या कहा, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, ऐसे कहा। ओके नेक्स्ट पेज। शेर का गुस्सा बढ़ गया क्योंकि इतनी सी मक्खी मुझे ऐसे बोलती है, तुम्हें ये भाषा शोभा नहीं देती। शेर को बहुत गुस्सा आ गया, पहले से वो मक्खी पर गुस्सा था क्योंकि उसने उसे नींद से उठाया था और अभी वो ऐसा बोल रही है, तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा, एक दो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर बहुत गुस्सा हो गया और वो बोलने लगा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, कितनी मुश्किल से मुझे अभी नींद आ रही थी, और ये मेरे कान में भिन 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 कर रही है, मुझे सोना नहीं दे रही है, फिर से मेरे सामने जवाब देती है, उल्टा जवाब देती है, मैं कौन हूँ पता नहीं क्या तुम्हें, मैं जंगल का राजा हूँ और तू मुझे ऐसे मेरे सामने ऐसा जवाब देती है, चुप हो जा वरना मैं अभी, ऐसे बोल रहा था तो उस मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। देखो बच्चों, इतनी सी मक्खी कैसे शेर से वो जवाब दे रही है। हाँ, शेर तो बहुत गुस्सा हो गया और मक्खी ने वो क्या बोली पता है आपको, मक्खी ने बोली, तू, शेर ने कहा कि मैं अभी तुझे ऐसे बोला,
तो मक्खी ने क्या कहा, वरना क्या कर लोगे? इतनी सी मक्खी शेर को ललकार रही है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी, इतनी सी छोटी सी मक्खी शेर को ललकार रही है, मैं क्या तुमसे डरती हूँ क्या? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ, ऐसे चैलेंज कर रही है मक्खी शेर को। उसके बाद देखो, शेर तो बहुत गुस्सा आ गया, शेर आग बबूला हो गया, शेर तो आग बबूला हो गया। आग बबूला होना यानी गुस्से से क्रोधित होना। शेर आग बबूला हो गया, वो बहुत क्रोधित हो गया, उससे इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा हिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। देखो बच्चों, ये जो छोटी मक्खी है ना, शेर को ललकार रही है, आ जाओ, मैं तुमसे डरती हूँ क्या? मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ, ऐसे बोलने पर शेर ने क्या किया, उसके पास जो कान के पास मक्खी बैठी हुई थी, तो शेर ने ऐसे पंजा मारा, यानी हाथ कान के ऊपर ऐसे मार दिया। शेर के नाखून होते हैं पता है बच्चों आपको, वो बहुत ही धारदार नाखून होते हैं और उसी से वो शिकार करता है, पता है आपको? तो ये बहुत धारदार जो नाखून थे, मक्खी कान पर बैठी थी इसीलिए शेर ने पंजा उठाया, तो वो जो नाखून थे ना, तो कान के ऊपर लग गए, कान के ऊपर लग गए और कान जरा छिल गया, कान जरा छिल गया। और शेर के जो नाखून होते हैं ना, बहुत धारदार होते हैं, और जैसे ही शेर ने कान के ऊपर पंजा मारा तो उसके कान पर थोड़ी सी जख्म हो गई। और मक्खी बहुत चालाक है, उसने वो क्या करती है, जरा सी हलचल हुई तो यहाँ से उड़कर वहाँ जाती है। ऐसे ही मक्खी ने क्या किया, मक्खी तो उड़ गई पर कान का छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की कान पर नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो देखो बच्चों, मक्खी कितनी चालाक है, उसने क्या किया, पहले शेर के कान पर बैठी, उसके बाद वो उड़ गई और शेर की नाखून है ना, वो कान के ऊपर लग गए और वहाँ की वो जरा सा वो छिल गया, यानी जो हमारे स्किन होती है ना, तो वो नाखून लगने से वो निकल गई, मक्खी उड़ गई और नाक पर बैठ गई। देखो बच्चों, मक्खी कितनी ज़िद्दी है, हट्टी है, और वो कान में से उड़ गई, कान के ऊपर बैठी थी तो उड़ गई और नाक पर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, उसे लगा कि अभी मैं मक्खी को मार डालूंगा, पकड़ लूंगा, लेकिन मक्खी उड़ गई और फिर बेचारे शेर के नाक पर नाक छिल गई। देखो उसके जो नाखून होते हैं ना, तेजदार नाखून, तो फिर नाक पर लग गए और नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। देखो ये मक्खी है ना, बहुत जिद्दी है, वो क्या करती है, यहाँ बैठती है, वहाँ बैठती है, यहाँ से उठकर वहाँ जाती है। पहले शेर के कान पर बैठ गई, फिर नाक पर बैठ गई, उसके बाद शेर के माथे पर बैठ गई, फिर गाल पर बैठ गई, फिर गर्दन पर बैठ गई, और बेचारा शेर यहाँ वहाँ वो अपने पंजों से पंजा मारता रह गया, जैसे कि कान पर, नाक पर, गाल पर, माथे पर, गर्दन पर, पूरे चेहरे पर उसने नाखून ऐसे छिलके उड़ गए। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता, तो ये जो शेर है ना, घायल हो गया, यहाँ वहाँ पूरे शरीर पर उसके छिलके उड़ गए और वो घायल हो गया। मक्खी तो फट से उड़ जाती, मक्खी तो हाथ में ही नहीं आती थी शेर के, यहाँ वहाँ उड़ती थी और बेचारे शेर के पूरे शरीर पर
घाव हो गए और वहाँ से खून निकल आया। अंत में शेर उब गया, अंत में यानी लास्ट में शेर उब गया। वो क्या हो गया, उब गया यानी क्या हो गया, थक गया। वो उब गया यानी थक गया और वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। तो देखो बच्चों, जंगल का राजा एक मक्खी से हार गया। कैसे हार गया, क्योंकि उसकी चालाकी से और उसके मन में जो एक अहंकार था उसकी वजह से ये शेर हार गया। और वो लास्ट में उसे कहेगा कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं तो हार गया और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती आगे बढ़ी। उसे इतना अच्छा लगा कि देखो, मैं तो इतनी सी छोटी सी मक्खी, शेर को मैंने हराया। और उसके एक मन में एक घमंड हो गया। घमंड होना, घमंड में चूर होना यानी अभिमान का अंत होना। उसे बहुत अभिमान था, अपने आप पर बहुत अभिमान था, घमंड था, ये इतना बड़ा शेर मुझसे हार गया। ये उसके मन में जो ये घमंड था ना, वो लेकर वो आगे ऐसे बहुत जोश से उड़ती आगे बढ़ गई। और उसके सामने अब कौन आ गया, हाथी। आपको पता, आपने देखा होगा ना, हाथी की सूंड होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, उसके चार पैर होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। तो इस मक्खी के सामने कौन आ गया, हाथी आ गया। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। बहस मतलब बातचीत, बर्बाद यानी जो समय नष्ट करना। तो ये मक्खी है ना, बहुत घमंडी हो गई है और ऐसे उड़ते उड़ते उसके सामने कौन आ गया, हाथी आ गया। हाथी को देखकर मक्खी ने क्या कहा पता है बच्चों, हाथी को देखकर मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। जो राजा होता है ना, उसका ही राज चलता है, लेकिन इस मक्खी ने शेर को हराया है, इसलिए उसे लग रहा है कि सब पशु पक्षी जानवर सब इसकी सुनना चाहिए, क्योंकि इस मक्खी ने शेर को हराया है। और सामने हाथी को देखकर तो मक्खी ने कहा कि मुझे प्रणाम कर। इतना बड़ा हाथी अब इतनी सी मक्खी को प्रणाम करेगा, तो हाथी ने भी सोचा कि चलो, कि मक्खी तो पागल है, मक्खी कैसी है, पागल है, इसे बहस करने में कौन समय नष्ट करेगा, ये तो पागल हो गई है, ऐसे लग रहा है कि उसे अपने जैसा कोई भी नहीं है, शेर को हराया, किस तरह से हराया ये भी पता है, तो इसे कौन बहस करेगा, चलो ऐसे बोलकर मक्खी से कौन बहस करेगा, कौन बातें कर समय नष्ट करेगा, ऐसे बोलकर वो हाथी ने क्या किया, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी तो इतना बड़ा है, इस मक्खी को वो ऐसे फू करता तो वो उड़ जाती, लेकिन ऐसे कम दिमाग वाले लोगों के साथ ज़्यादा बहस न करना ही अच्छा है। इसीलिए हाथी ने उस मक्खी के मुंह न लगते हुए हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अरे लोमड़ी मंद मंद मुस्कराते लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, उसने ये सब देख रही थी और वो मन ही मन में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो उसके सामने मक्खी आ गई
और मक्खी ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर है ना, उसे हराया है, और जो विशालकाय हाथी, विशालकाय यानी बहुत बड़ा हाथी जो होता है ना, उसे भी मैंने हराया है। चल मुझे प्रणाम कर। किसने किसे कहा? लोमड़ी, सॉरी मक्खी ने लोमड़ी से कहा। तो देखो, पहले तो शेर को मक्खी ने अपने चालाकी से उसे घायल कर दिया, उसके बाद हाथी को प्रणाम करने के लिए कहा, उसके बाद लोमड़ी को प्रणाम करने के लिए कहा। लेकिन लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, उसने क्या किया देखो, नेक्स्ट पेज। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी को पता था कि ये मक्खी कितनी मूर्ख है, उसने क्या किया, लोमड़ी को प्रणाम किया। ठीक है, लोमड़ी ने कहा, तुझे प्रणाम करना है ना, मैं करती हूँ। और लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर ले लो ना। अभी देखो लोमड़ी कितनी चालाकी से मक्खी को फंसाती है। देखो मक्खी ने, लोमड़ी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया और धीरे से कहा कि आप तो बहुत धन्य है कि आपने शेर को हराया, हाथी को हराया, और आप तो बहुत धन्य है, आपका जीवन तो और भी धन्य है, आपके माता पिता तो बहुत ही धन्य होंगे क्योंकि आप जैसी मक्खी को उन्होंने जन्म दिया है। अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है, जंगल का राजा शेर को भी आपने हराया है, कैसी आप ताकतवर हो, होशियार हो, ऐसे उसे लोमड़ी ने मस्का मार दिया। उसके बाद वह लोमड़ी धीरे से उसने कहा कि मक्खी, आपको पता है कि वो जो मकड़ी है ना, मकड़ी वो आपको गाली दे रही थी, ज़रा उसकी भी खबर ले लो ना। तो देखो लोमड़ी कितनी चालाक है, लोमड़ी ने क्या किया, ये जो मक्खी है ना, मक्खी को कहा कि मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ज़रा जैसे हम लोगों ने आपको प्रणाम किया है ना, वैसे ज़रा मक्खी मकड़ी की भी खबर ले लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, लाल होना यानी बहुत गुस्सा होना। ये जो मकड़ी देख रहे हो ना, मकड़ी हमारे घर में होती है ना, जैसे जाली बनाती है, ऐसे ये मकड़ी की जाली होती है ना, तो ये मकड़ी होती है घर में जाली बनाती है, उसके शरीर में एक ऐसी एक द्रव होता है कि उसे वो अपना घर बनाती है, मकड़ी का घर ऐसा होता है। तो लोमड़ी ने चालाकी से मक्खी से क्या कहा कि वो मकड़ी है ना, आपको गाली दे रही थी, ज़रा उसकी भी खबर ले लो ना। यह सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से से मक्खी लाल हो गई और मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ, ऐसे कहा। और उसने क्या कहा, उसने क्या किया मक्खी ने, यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। तो ये जाल है ना बच्चों, मकड़ी किस लिए बनाती है पता है आपको? ये जो मकड़ी है ना, मकड़ी के शरीर में एक ऐसा द्रव होता है तो वो ऐसी जाली बनाती है, देख रहे हो कितनी अच्छी जाली है, वो कितने नज़दीक 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 ये धागे बने हुए हैं। तो ये ऐसा एक द्रव होता है, उसे ये जाली बनाती है कि कोई भी कीटक हो तो उसके अंदर वो फंस जाता है। तो इसके जो मक्खी के पैर होते हैं ना, वो यहाँ इस धागे से वो चिपक जाते हैं, कितना भी प्रयास करे वो निकलने की कोशिश करे लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता। तो मकड़ी ऐसे ही जाल बनाती है और अपने शिकार को यहाँ इस मकड़ी में कैद करती है। जैसे ही कोई कीटक हो तो वो उस मकड़ी इस जाले में फंस जाता है, और बाद में ये मकड़ी क्या करती है, उस कीटक जब जाल में फंसता है तो वो खाती है।
तो ऐसे ये मकड़ी अपना शिकार करती है। तो लोमड़ी इतनी चालाक है कि अभी ये जो अहंकारी मक्खी जो है, इसे हराना कैसा है, कैसे हराना चाहिए, इसीलिए उसने एक तरकीब सोची और मकड़ी आपको गाली दे रही थी ऐसा उसने मक्खी को कहा। मक्खी को गुस्सा आ गया, वो लाल हो गई और वो पहले से ही बहुत ऐसे चाव से उड़ रही थी कि मैंने शेर को हराया, हाथी को हराया, लोमड़ी को भी मैंने प्रणाम करने के लिए कहा। अभी उसका गुरूर जो था, वो बहुत गुरूर था उसके मन में, तो उसे ख़त्म करने के लिए लोमड़ी ने मक्खी को ऐसे जाल में फंसाया। मक्खी बहुत गुस्सा हो गई और उसने कहा कि मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मकड़ी को पकड़ने के लिए मक्खी ने झड़प डाली तो वो उस जाल में फंस गई और जाल से छूटने की जो जो कोशिश करती रही त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो देख रहे हो बच्चों, मकड़ी के जाल में लोमड़ी ने मक्खी को कैसे फंसाया और मक्खी उस जाल में फंस गई और जैसे जैसे वो छूटने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे वो अधिक वहाँ उस जाल में फंसती रहती और वो अंत तक बहुत कोशिश करने पर भी वो वहाँ से न उड़ पाई और वो अंत में वो थक गई और मकड़ी का घमंड जो था, गुरूर जो था, वहाँ उस जाल में फंसने के बाद वो गुरूर जो था वो कम हो गया और अंत में मक्खी हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो देख लिया बच्चों ये पाठ आपने, तो कितना मज़ेदार है ना ये पाठ। तो अभी हमने ये चालबाज मक्खी ये पाठ जो है वो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया, समझाया है, आपको दो बार पढ़ना है। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।